प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं मैं, कैसे शांत हो जाऊं? इस घर में मैं तो क्या, कोई भी नहीं सो पाया है। फिर चाहे कारण अलग अलग क्यों ना हो। तुम बेशुर हो गई अमर, आप उसकी असलियत समझ नहीं पा रहे हैं। और तुम कब समझोगे इस घर के रिश्तों की गहराई, इन रिश्तों की असलियत? अल्पा, आज जब तृष्णा को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, अपना दुख बांटने के लिए एक साथी की जरूरत है, तो तुम उससे मुंह फेर कर खड़ी होगी? वहां तृष्णा का रो रोकर बुरा हाल है, तुम्हें अब भी शिकायत है उससे, उसमें गलतियां नजर आ रही हैं। अमर, वो अपने आंसुओं के लिए खुद जिम्मेदार है। सही कहा बेटा, पर कभी अपने आप को तृष्णा की जगह रखकर देखो, उसके दर्द को महसूस करके देखो। बेटा जी, उसके पश्चाताप को स्वीकार कर लो, देखना सब क्लेश दूर हो जाएंगे। माना कि तृष्णा की गलती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसकी सारी अच्छाइयों को भुलाकर उसे सजा देने पर उतर आए। तृष्णा ने जो किया है ना, वो कोई छोटी बात नहीं है, और मेरे लिए इस बात को माफ करना इतना आसान नहीं है। माना कि इतना आसान नहीं है, पर कोशिश तो कर सकती हो सकता है एक दिन तुम्हारी कोशिश कामयाब हो जाए। ठीक है मामा जी, मैं कोशिश करूंगी। हाँ अल्पा, और हो सकता है तुम्हारे मान जाने से वो समर का बिना बताए लंदन जाने का दुख बर्दाश्त कर ले। जाओ, जाकर मिल लो उससे, उसे अच्छा भी लगेगा और उसके मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। अमर, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी जाकर उसे गले लगा लूंगी। स्विच ऑफ, ये क्या तरीका है? अस्कर, चुप हो जा तृष्णा। माँ जी, बस एक बार वो मुझसे मिलकर चले जाते। माँ जी, शायद घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उस बात से समर बहुत दुखी है, इसीलिए ये कदम उठाया है। नाराजगी जाहिर करने का ये कोई तरीका है? इससे बात बिगड़ेगी या सुलझेगी? आप शांत रहिए ना। बैठकर बात करनी चाहिए, किसी समस्या का सोच समझकर हल निकालना चाहिए, या इस तरह घर छोड़कर चले जाना चाहिए? अब समर के मन की तो समर ही जाने ना, क्या पता किन परिस्थितियों में उसने ये फैसला लिया। कुछ भी कहो, तो उसका कितना भी पक्ष लो, लेकिन मैं उसकी इस हरकत को कभी माफ नहीं करूंगा, कह देता हूं। कृष्णा बेटा, शायद तुम दोनों को थोड़ा समय चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। जी, तो मुझसे एक बार कह तो देते कि आखिर बात क्या है। मैं इस तरह कभी नहीं जाने देती माँ जी, कभी नहीं जाने देती। देखो बेटा, ये तुम दोनों का मामला है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ
क्या तुम दोनों के बीच कोई बात हुई थी? वंश के जन्मदिन वाली बात से बहुत नाराज थे माजी, और इतना नाराज थे कि उन्होंने क्या? उन्होंने मुझे कसम दी कि मैं बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद अगर तुमने अंश का नाम भी लिया या उसके बारे में सोचा भी, तो मेरा मरण होने को क्योंकि मैंने पूरा क्लास वर्क कर लिया वो भी अच्छे हैंडराइटिंग में। अरे वाह, वेरी गुड। ये मुझे छोटी माँ ने सिखाया था कि अच्छा अच्छा लिखना। क्या बताती माँ जी, सब मेरी ही वजह से तो हुआ है ना। लेकिन अगर कसम दे ही दी थी तो फिर अचानक चला क्यों गया? ये तो नहीं समझ में आता माँ जी। समर के पापा को ये बात पता चलेगी ना तो पता है कितना नाराज होंगे। नहीं माँ जी, आप ये बात किसी से नहीं कहेंगी। लेकिन बेटा, माँ जी प्लीज, मैं नहीं चाहती कि इस बात की वजह से घर में और परेशानियां बढ़े। माँ जी आप ये बात घर में किसी को मत बताइएगा, किसी को नहीं। लेकिन कृष्णा, तुम और अंश एक ही छत के नीचे रहकर एक दूसरे से मिले बगैर कैसे रहोगे? मैं रह लूंगी माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। अगर अल्पा दीदी और समर को इस बात से खुशी मिलती है तो अंश से मिलना तो दूर, मैं उसकी तरफ कभी देखूंगी भी नहीं, कभी नहीं देखूंगी मैं। बस चुप हो जा। जिसने अभी भी अपना फोन ऑन नहीं किया। अच्छा अंश, ये बताओ आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है? रजनी मैडम। वो आपको प्यार करती है? हाँ बहुत। कल सबको बोल रही थी कि अंश इज अ गुड बॉय। अच्छा? हाँ, क्योंकि मैंने पूरा क्लास वर्क कर लिया वो भी अच्छे हैंडराइटिंग में। अरे वाह, वेरी गुड। ये मुझे छोटी माँ ने सिखाया था कि अच्छा अच्छा लिखना। चलो अंश, आपका बैग तैयार है। माँ, मुझे छोटी माँ से मिलना है। अंश, स्कूल जाने का टाइम हो गया है ना, और वैसे भी बहुत देर हो रही है, और तुम्हें मिलना जुलना सूझा है। अल्पा, तुम हर बार इससे यही सब बातें क्यों करती हो? ये जब भी तृष्णा से मिलने की बात करता है तुम इसे डांट देती हो। देखिए आप, अमर बेटा। जी पापा। कुछ बात हुई क्या समर से? कहाँ हुई है पापा, कब से उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। क्या करूँ इस लड़के का, समर के इस रवैये से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। पापा आप परेशान मत होइए, मैं हमारे ब्रांच मैनेजर मिस्टर रस्तोगी से कहूंगा कि वो समर से मेरी बात करवा दे। अगर वो जरा भी समझदारी से काम लेता तो हमें इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। मैं समझ सकता हूं वो अपने मन की बात मुझे बता नहीं सकता, लेकिन अपने मन की बात तुम्हें तो बता सकता है। अब जाने दीजिए ना पापा। कैसे जाने दूं बेटा, बड़ी तकलीफ होती है जब बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर यही हाल रहा तो आगे जाकर क्या भविष्य होगा समर और तृष्णा के रिश्ते का? आप बहुत चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस दो चार दिन की बात है, समय लौट आएगा तो सब ठीक हो जाएगा।
भगवान करे ऐसा ही हो। मैं तो रात भर सो नहीं सका, पता नहीं तृष्णा का क्या हाल होगा। तो संभाल लेगी पापा, आप जानते हैं ना वो मुश्किलों से कभी नहीं घबराती। हाँ, भगवान की भी लीला अजीब है, जो मुश्किलों से नहीं घबराता है उसे एक के बाद एक मुश्किलों में डाल देते हैं। आखिर सहने की भी एक सीमा होती है। पापा, हम सब तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान कृष्णा को ये सब सहने की शक्ति दे। हाँ, और समर को थोड़ी अकल। पता नहीं दुखों से कब मुक्ति मिलेगी इसे। कृष्णा, मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं कृष्णा। नहीं समर। भगवान, इस बेचारे को किस बात की सजा दे रहे हैं? इस उम्र में मुस्कुराने की जगह इसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। दीदी, कैसी है तृष्णा अभी? पता नहीं, रात को बहुत रोई और देर से सोई। अभी चाय लेकर आई तो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही इसे उठाने की। अच्छा, जितना ज्यादा सोएगी उतना आराम मिलेगा इसे। आराम का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि जब ही उठेगी तो फिर इसे सारी बातें याद आएंगी और फिर परेशान हो जाएगी। सो तो है, लेकिन क्या करें दीदी, जो हो गया उसका सामना तो ऐसे करना होगा। इतनी सी उम्र में क्या क्या देख लिया इसने, पता नहीं दुखों से कब मुक्ति मिलेगी इसे। कृष्णा, मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूं। नहीं समर, 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 कृष्णा, कृष्णा बेटा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा बेटा? देखो बेटा, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बैग पकड़ो, मैं भी आती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपका टिफिन लेने जा रही हूँ, आप यही रहना। ओके। हाँ। छोटी माँ से नहीं दिख रही, शायद अपने कमरे में होगी। मैं खुद जाकर उसे मिल देता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैं छोटी माँ से मिलने गया और माँ आ गई तो मुझे डांट पड़ेगी। अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे डांटेगी। Thank you.
कृष्णा बेटा, सारी बातों को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। नहीं माँ जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पी लो बेटा, थोड़ी ताजगी मिलेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। पी लो। नहीं मामा जी, क्या हुआ बेटा? सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ तो दर्द के लिए तो चाहे अचूक दवा है। फिर बेटा, दीदी ने अदरक टांग के बढ़िया चाय बनाई है, तुम देखना सर दर्द कैसे गायब हो जाएगा। दीदी चाय दो। हाँ ये लो। जा रहे थे बेटा? मैं है ना छोटी माँ से मिलने जा रहा था। अंश, कहाँ जा रहे थे बेटा? मैं है ना छोटी माँ से मिलने जा रहा था। क्यों? मैंने आपसे मना किया था ना छोटी माँ से मिलने के लिए। लेकिन आप मुझे छोटी माँ से क्यों मिलने नहीं दे रही हो? मैं बस 2 मिनट में आ जाऊंगा। रुको अंश, देखो बेटा, बेटा छोटी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर ने किसी से भी मिलने के लिए मना किया। क्यों? क्योंकि वो बीमार है ना, अब वो किसी से मिलेंगी तो थक जाएंगी। आप उनके पास जाओगे, बातें करोगे तो वो डिस्टर्ब होंगी ना, इसलिए। अच्छा, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं देखकर आ जाऊंगा। नहीं अंश, जिद नहीं करते। एक बार कह दिया नहीं जाना तो बस नहीं जाना। और आपकी छोटी माँ अभी सो रही है। तो फिर ठीक है, मैं स्कूल से आ जाऊंगा, उसके बाद में मैं मिल लूंगा।